हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालूज लव बुक। आज मैं आपको घर में इडली और डोसा के लिए बैटर यानी कि घोल बनाना सिखाऊंगी। कैसे आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी इडली, उसके लिए मैं घोल सिखाऊंगी, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगी। साथ ही एक ही घोल से आप कैसे बना सकते हैं डोसा भी एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी और करारा। तो मैं रेसिपी आपको सिखाना शुरू करती हूँ और दिखा देती हूँ किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और एक ही घोल से आप कैसे आप इडली और डोसा दोनों बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीजें हमें लगेंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चावल। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 ग्लास चावल लिया है। नॉर्मल चावल है ये, आप कोई भी चावल इससे ले सकते हैं, आप जो भी घर में खाते हो। मोटा वाला राइस भी आता है, डोसा के लिए अलग चावल आता है, डोसा इडली के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर घर में ही खाए जाने वाला चावल लिया है। तो मैंने यहाँ पर 3 ग्लास चावल लिया है, 3 ग्लास चावल है ये, और इसके रेशियो में ये देखिए, इसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पर 1 ग्लास उड़द की दाल ली है। ये देखिए, उड़द वॉश है, ये धुली हुई उड़द की दाल है। तो 1 ग्लास हमें चाहिए उड़द की दाल और 3 ग्लास हमें चाहिए चावल। तो ये रेशियो हमें रखना है। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर लगभग 1/4 कप के करीब हमने यहाँ पर चना दाल ली है। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और क्रिस्पी टेक्सचर आएगा डोसे में। इसके साथ ही ये देखिए, पानी हमें चाहिए होगा दाल और चावल को भिगोने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले दाल चावल को हम भिगो देते हैं। तो आप चाहें तो दाल को अलग और चावल को अलग ऐसे भी भिगो सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सरल तरीका आपको सिखा रही हूँ और सारी चीज़ों को हम एक बार में ही सोख कर देंगे यानी कि भिगो कर रख देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले एक बड़ा सा भगोना हमने लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे 3 ग्लास चावल। मैंने यहाँ पर ग्लास से नापा है, आप कप से या कोई भी बोल या कोई भी कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। 1 ग्लास मैंने उड़द की दाल डाल दी है इसमें। इसके साथ ही देखिए, चना दाल भी आप इसी में ऐड कर दीजिए और मेथी के दाने भी हम डाल देंगे। आप चाहें तो उड़द की दाल और चने की दाल को अलग भिगो सकते हैं और चावल और मेथी के दानों को अलग भिगो दीजिए और बाद में अलग अलग पीस कर एक साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई डर्ट हो, डस्ट हो, कोई और गंदगी हो तो उसे निकाला जा सके। इसको देखिए, इस तरह से मिक्स कर लीजिए, हाथों की हेल्प भी ले सकते हैं और हम इसको छलनी से छान देंगे। इसका जो पानी है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और 1-2 बार इस तरीके से वॉश करने के बाद में इसमें हम साफ पीने वाला पानी डालकर इसको भीगने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, दाल और चावल को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। अब ये देखिए, इसके अंदर हम ऐड करेंगे साफ पीने वाला पानी। तो आप देख सकते हैं काफी पानी मैंने ऐड किया है और लगभग 1.5 से 2 इंच ऊपर तक आप पानी ऐड कर दीजिए। अच्छी क्वांटिटी में हमें दाल और चावल को भिगो देना है ताकि सोख होकर पानी के अंदर ही रहे। तो इसको अब हम रख देंगे भीगने के लिए। तो लगभग 6 से 7 घंटे आप इसको भिगो दीजिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट सोख भी कर सकते हैं और इसको आप मॉर्निंग में इस दाल को चावल को पीसकर इससे आप बैटर तैयार कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल आपको इसको लगभग 6 से 7 घंटे के लिए रखना ही है। तो ये देखिए, लगभग 7 घंटे मैंने दाल को और चावल को भिगो दिया था और आप देख सकते हैं अच्छे से दाल और चावल दोनों भीग चुके हैं। तो अब इसके पानी को हम चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं यानी कि इसके पानी को आप फेंक दीजिए और चाहें तो इसी पानी को यूज़ करके भी आप दाल को पीस सकते हैं। तो मैं लूंगी एक मिक्सी का जार और इसमें हम दाल को डाल देंगे। एक बार में हमें मिक्सी के जार में बहुत ज़्यादा दाल नहीं डालनी है क्योंकि ये जो दाल होती है काफ़ी हार्ड होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दाल एक साथ अगर मिक्सी के जार में डाल देंगे तो पीसने में भी परेशानी आएगी, साथ ही बारीक नहीं पसेगी और मिक्सी पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो आप इस तरह से दाल थोड़ी सी कम डालें, उसको सिर्फ हाफ फिल करें आप उसके जार को और उसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल ड्राई दाल नहीं पिसेगी और पीसना भी नहीं चाहिए। ढक्कन लगा देंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, दाल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दाल हमारी पिस चुकी है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। आप कोई भी बड़ा सा बर्तन लें क्योंकि हमें इसी बर्तन में दाल को फर्मेंट करने के लिए रखना है, घोल को फर्मेंट करने के लिए रखना है। तो बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए वरना फर्मेंट होने के बाद में जो घोल है वो पूरा बाहर आ जाएगा। तो साथ साथ मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जा रही हूँ, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए, बाकी की बची हुई दाल भी मैं इसी तरीके से पीस लूंगी और बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए, तो सारा की सारा घोल हमने बनाकर पीस कर रेडी कर लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं भगोना हमारा काफी बड़ा है और आप देख सकते हैं घोल इसमें कितना है। तो अभी फर्मेंट होकर ये काफी ऊपर आ जाएगा। आप चाहें तो इससे बड़ा भगोना भी ले सकते हैं और मैं रिकमेंड करूंगी आप थोड़ा सा और भगोना लें क्योंकि कभी कभी पता नहीं होता और अगर फर्मेंटेशन ज्यादा हो जाता है
तो घोल बाहर भी आ सकता है। देखिए इसको एक बार मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा बैटर कितना स्मूथ है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ये देखिए। तो इसको अब हम फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। लगभग आप इसको 6 से 7 घंटे वापस से फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। पर इसमें इससे पहले आप इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं परफेक्ट फर्मेंटेशन हो, बढ़िया फर्मेंटेशन हो, आपकी इडली या डोसे बहुत बढ़िया बने, कलर बहुत अच्छा आए, तो आप उसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही जल्दी आपका फर्मेंटेशन होगा, इनफैक्ट 3 से 4 घंटे ही लगेंगे और आपका डोसा इडली आप बना पाएंगे फटाफट। इसको अब मैं रख देती हूँ किसी गर्म जगह पर। आप चाहें तो इसको ढककर आप माइक्रोवेव के अंदर भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से आप ढककर किसी भी प्लेट से ढक दें इसको, और धूप में भी आप रख सकते हैं। चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, जिस तरह से मैंने रखा है वैसे भी रख सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, इंडोर तरीका, यानी कि घर के अंदर कैसे रख सकते हैं और जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको टिप दे रही हूँ। ये देखिए घोल को इस तरह से रख दीजिए, उसके बाद में इसको प्लेट से ढक दें, और ये देखिए इसको आप इस तरह से किसी भी ऊनी कपड़े से भी ढक सकते हैं। तो इससे जो घोल है इसके अंदर गर्माहट बनी रहेगी और बहुत जल्दी फर्मेंटेशन आएगा। आप इसको किसी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं जहां पर थोड़ी सी गर्मी हो, या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव के अंदर भी रख सकते हैं। तो 3 घंटे में ही आपको फर्मेंट होकर बैटर रेडी मिल जाएगा। फिलहाल ये देखिए, ये है बैटर जिसको मैंने धूप में रखा था, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फर्मेंटेशन इसमें आया है, और आप देख सकते हैं बहुत जालीदार हमारा घोल बनकर रेडी हो गया है। इसके ऊपर जो आप झाग देख रहे हैं, ये देखिए कितना झागदार है और बहुत ही बढ़िया फर्मेंटेशन आया है। आप देख सकते हैं फूल कर ये जो हमारा घोल है ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है, और इससे अगर आप बनाएंगे डोसा या इडली तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल बनेंगे। ये देखिए, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है उसी तरीके से आप घोल बनाइए अपने घर में, और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए। आप मेजरमेंट का ध्यान रखिए, प्रोपोर्शन का ध्यान रखिए कि आपको कितनी दाल लेनी है, कितना चावल लेना है, कितनी देर भिगोना है इसको, और कितनी देर फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो लगभग 6 से 7 घंटे के लिए आप भीगने दीजिए दाल को, साथ ही फर्मेंट होने के लिए भी उतने ही टाइम के लिए हमें रखना है। अगर आप ओवरनाइट फर्मेंट करने के लिए रखेंगे तब भी बहुत अच्छा है। अभी बहुत ज़्यादा विंटर सीजन नहीं आया है, बहुत कोल्ड नहीं है, तो आप उसको धूप में रख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। और विंटर सीजन अगर है और बहुत ज़्यादा ठंड है अगर, तो जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है आप ढाँक दीजिए उसको, किसी भी बर्तन के अंदर घोल को रखकर ढाँक दीजिए, और उसके बाद में आप उसको किसी भी शॉल से या गर्म कपड़े से ढककर माइक्रोवेव के अंदर या किसी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपका घोल फर्मेंट हो जाएगा और डोसा या इडली बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने घर में डोसा और इडली जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो आप मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप बिना इडली स्टैंड के कैसे घर में इडली बना सकते हैं उसकी रेसिपी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप पूरी रेसिपी देख सकते हैं। घर में आप कैसे बना सकते हैं एकदम सॉफ्ट स्पंजी इस घोल से इडली, उसकी रेसिपी जानने के लिए भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही क्रिस्पी मसाला डोसा कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी आप मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर दे दूंगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर हेल्पफुल लगेगा, पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।